नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस बार के 29 तारीख को यानी कि 29 अक्टूबर को पड़ रहा है भैया दूज का त्यौहार। यह भैया दूज का त्यौहार हमारे शास्त्रों में अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल का अर्थ ये हुआ कि सतयुग के समय से यह क्रिया चली आ रही है। जिस समय पे यमदेव और यमी जो भाई बहन थे, उन्होंने एक दूसरे को आदर सत्कार देकर इसे विधि विधान पूर्वक मनाया था, उसके बाद से ही ये प्रथा चली आ रही है। और कई पुराणों में ऐसी भी घटना दर्शाई जाती है कि माता लक्ष्मी जब पाताल लोक भगवान विष्णु की खोज में पहुंची थी, तो उन्होंने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर सबसे पहले बलि को अपना भाई बनाया। उसके बाद ही उसकी भक्ति देखकर भगवान से आग्रह किया कि बलि को अब आप भगवान मुक्ति दे दें, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो भगवान ने माता लक्ष्मी की बात मानकर बलि को मुक्ति दी और वहां से प्रस्थान किया। माता लक्ष्मी सहित देवोत्थानी एकादशी के दिन वह जागृत अवस्था में आए। इसीलिए दोस्तों, इस दिन को इतनी खास तरीके से मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन के अटूट रिश्ते को भी यह दिन दर्शाता है। और इस दिन अगर आप अपने भाई को अपने प्रेम से कोई ऐसी चीज भेंट कर देती हैं, तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त हो सकता है। वह खास चीज है कूर्म कछुआ, यानी कि किसी भी धातु का बना हुआ कछुआ आप अपने भाई को भेंट स्वरूप में दें, और वो भी उसके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करवाकर। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु का अवतार कहलाए जाने वाले इस कूर्म कछुए को, यानी कि जब भगवान ने समुद्र मंथन अपने कूप पे करवाया था, यानी अपने कछुए स्वरूप में कच्छप अवतार लेकर भगवान विष्णु ने यह व्यवस्था बनाई थी, उसके बाद ही माता लक्ष्मी वहां से प्रकट हुई। इसीलिए अपने भाई की सुख सौभाग्यता के लिए अगर आप ये एक वस्तु उन्हें दे देती हैं, तो अवश्य ही उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा और आपका जीवन भी उनके खुशहाल जीवन को देखकर सदा प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों, किसी भी धातु के कछुए को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7290061491। दोस्तों, इस कछुए को कभी भी आप अपने घर में मंगाएं और विधि विधान पूजन कर इसे भेंट स्वरूप में अपने भाई को दें, तो अवश्य ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, अगर ये खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।